मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, जगह स्टक हो गए हैं, या मॉक टेस्ट में बिलो 100 मार्क्स आ रहे हैं, या 120 130 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो बने हुए हैं, वहां से मार्क्स इंक्रीज हो ही नहीं रहे हैं। अब क्या करें, एक जगह आ करके मार्क्स स्टक हो गए हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हाउ टू इम्प्रूव मॉक मार्क्स इन मॉक टेस्ट। आप अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करें मॉक टेस्ट में। टारगेट आपका होना चाहिए कि एग्जाम अगर 12 से 13 अक्टूबर को है ना एसएससी स्टेनोग्राफर का, तो आप 50 मॉक टेस्ट टारगेट रखिए कि आपको 50 मॉक टेस्ट देने हैं, है ना। और कैसे देने हैं वो पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है। आइए हम बात करते हैं, अगर टारगेट मॉक टेस्ट 150 से 170 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छी कंडीशन है आपकी, और इससे कम आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि कंडीशन उतनी सही नहीं है, ठीक है। बिकॉज इतने मार्क्स अगर आते हैं तो ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, तो आप 140 तो आना ही चाहिए, उससे कम बिल्कुल ना आए। तो हम आज इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले उसके कुछ पॉइंट्स हम पहले देख लेते हैं। हाउ मैनी मॉक टेस्ट, आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, फ्रॉम वेयर, कहाँ से देने चाहिए, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट में, मार्क्स कैसे इंक्रीज करने चाहिए, प्रीवियस ईयर मॉक देने चाहिए या न्यू मॉक पहले देने चाहिए, द वे टू इम्प्रूव मार्क्स इन मॉक टेस्ट, कैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करें, सब मिला करके इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें हाउ मैनी मार्क्स की, तो देखिएगा वीकली आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए, एक हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट आप दीजिए, ठीक है। एक कॉपी बना लीजिए, फ्रॉम वेयर कोई भी मॉक टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन ले लीजिए, खासकर अगर ऑनलाइन लेंगे तो उससे काफी ज्यादा फायदा होगा। हाउ टू इंक्रीज मार्क्स, अगर बात करें फोकस ऑन मॉक एनालिसिस, वो मॉक एनालिसिस कैसे करना है इसके आगे हमने बताया है, मेक नोट्स फॉर मॉक एनालिसिस, डोंट डू द सेम मिस्टेक अगेन। आइए हम बात करते हैं नोट्स आपको कैसे बनाना है। आप एक नोट्स बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें वो मॉक टेस्ट की कॉपी होगी और उसमें अलग अलग पॉइंट्स आप लिखिए। अगर आपके एरर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप लिखिए आज एरर का हमसे 5 क्वेश्चन गलत हुआ, इम्प्रूवमेंट का 2 क्वेश्चन गलत हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स का 2 क्वेश्चन गलत हुआ, एक्टिव पैसिव का 2 क्वेश्चन गलत हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 2 क्वेश्चन गलत हुआ, इस तरह से आप लिखिए। फिर इस एरर के क्वेश्चन में कौन किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए, क्या वो नाउन के क्वेश्चन थे या प्रनाउन के क्वेश्चन थे या एडजेक्टिव के क्वेश्चन थे। सेम यही काम आपको इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखना है कि कौन से रूल्स आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, वो रूल्स एक कॉपी में आपको लिखते जाना है, ठीक है। फिर एक मॉक दे लीजिए, सपोज आपने संडे को मॉक टेस्ट दिया तो ट्यूसडे छोड़ के वेंसडे को दीजिए, फिर थर्सडे को छोड़ करके फ्राइडे को दीजिए, यानी कि सैटरडे और वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आप संडे वेंसडे और फ्राइडे ये 3 दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए। बीच में जो समय मिलता है वो आप उस दिन उस जो मॉक टेस्ट आपने एनालिसिस किया है उसको कैसे सुधार सकते हैं। सपोज नाउन के क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, एक मॉक टेस्ट दिया, दूसरे वाले मॉक टेस्ट में भी नाउन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तीसरे में भी नाउन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आपको नाउन में सुधार करने की जरूरत है, नाउन के क्वेश्चंस में सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। वो कैसे सुधार करेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। क्लोज टेस्ट गलत हो रहे हैं तो आपको कॉम्प्रहेंशन पर फोकस करना होगा, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना होगा, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं वो भूल जाएं, ठीक है। मैं बार बार एकदम सत्य बात बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हो आप तो क्लोज टेस्ट ऐसे सपने में नहीं आएगा कि आपका क्लोज टेस्ट की मतलब इंग्लिश की कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश की समझ जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक इंग्लिश की समझ कैसे अच्छी होगी, नहीं होगी ना, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। बस जानता सब है, फोकस कोई नहीं करता है, इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा, और आज के बाद अगर आप ये फॉलो कर ले जाएंगे, मैं पूरी डिटेल में वीडियो इसलिए लाया हूँ। आइए हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या मॉक दें या कौन सा मॉक टेस्ट दें। देखिएगा पहले क्या करें आप, फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, क्योंकि अगर आप न्यू मॉक टेस्ट देंगे तो होगा ये कि आपके मार्क्स जो है वो 120 या 110 या 100 ऐसे आएंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देंगे तो आपके मार्क्स कितने आएंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देंगे तो आपके मार्क्स हो सकता है 130 आ रहे हों या सब मिलाकर के 130 से 150 के बीच में आ रहे हों, है ना। कभी कभी ऐसा होगा,
अगर लोग अभी हाल ही में तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो हो सकता है कि 100 से 110 के बीच में आ रहा हो, 100 से 120 के बीच में PYQ आ रहा हो, लेकिन जब आप न्यू मॉक देते हो तो 90 और 80 पर रह जाते हो। ऐसा भी होता होगा बहुत लोगों के साथ, लेकिन जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या होता होगा, मैक्सिमम लोगों के साथ 130 से 150 के बीच में प्रीवियस ईयर के मॉक मार्क्स रहते होंगे, और जब नए मॉक लगाते होंगे तो 120 125 यहीं पर अटक जाते होंगे, और काफी दिनों से यहीं पर अटके हुए चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको एक मॉक टेस्ट उसी तरह से बना लेना है और उस तरह से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है और लिखना है। लिखना मत भूलिए कि कौन कौन से टॉपिक से और उस टॉपिक में भी कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर GS में गलत हो रहे हैं तो हिस्ट्री से गलत हो रहे हैं, ज्योग्राफी से गलत हो रहे हैं, करेंट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या कैसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आपको मालूम चल जाएगा। और रीजनिंग में भी सेम काम करना है आपको, ठीक है। व्हेन यू आर प्रो, जब आप प्रो हो जाइए, बिकम प्रो, ठीक है, तो इट मीन्स यू व्हेन योर मार्क्स 140, जब आप प्रो हो जाएं, यानी कि आपके मार्क्स जो है 140 आने लगे, ठीक है, जब 140 आपके मार्क्स आने लगे तो समझ लीजिए कि आपको न्यू मॉक टेस्ट देना है ना, वरना आप प्रीवियस ईयर दीजिए। आपके 130 से 140 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप न्यू मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, वरना अभी प्रीवियस ईयर के ही मॉक टेस्ट दीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इसके साथ ही मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए सॉल्व पेपर 40 सेट का आया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर 40 सेट का सॉल्व पेपर आया हुआ है, और ये 40 सेट का जो सॉल्व पेपर है बहुत ही अच्छी बुक है, ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। देखिएगा यहाँ पर बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और ये जो बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, अगर हम थोड़ा सा जूम करके आपको बताएं तो चैप्टर वाइज दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश तीनों में दिए गए हैं, और एसएससी स्टेनोग्राफर के 40 सॉल्व पेपर दिए गए हैं आपको। और बुक्स में आपको जनरली सॉल्व पेपर एसएससी स्टेनोग्राफर के खासकर नहीं मिलेंगे ये, लेकिन ये जो बुक है वो स्पेशली एसएससी स्टेनोग्राफर को ध्यान में रख करके डिजाइन की गई है, तो ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। ये तीन बुक हैं अलग अलग, यानी कि ये GS की बुक हो गई, ये रीजनिंग की बुक हो गई, और नीचे आ जाइए तो आप ये इंग्लिश की बुक हो गई। अभी हम इसकी इंग्लिश की बुक के बारे में भी बता देंगे कि, और एक मॉक टेस्ट भी है साथ ही साथ, बाइलिंगुअल बुक है, 1100 से लेकर के 1900 तक TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, है ना। और ये कॉम्बो बुक है, आपको हिंदी कह रहा हूँ, GS, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें किसी एक बुक की डिटेल में, देखते हैं हम क्या इस बुक में क्या क्या खास है। इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज दिया गया है 40 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, ठीक है, 40 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, देखिएगा। और वो 40 सॉल्व पेपर कैसे दिए गए हैं, आगे हम डिटेल में, अगर आपको इस बुक को ही दिखा देता हूं मैं, 1999 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उसी पेपर में से ये 40 सेट आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि एसएससी स्टेनोग्राफर को ध्यान में रख करके ये पूरे सेट्स बनाए गए हैं, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेनो के पेपर हैं। इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नॉन फाइनाइट, सिंटैक्स, आर्टिकल, टाइम एंड टेंसेज, है ना, और क्वेश्चन टैक्स, वॉइस, नरेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, देखिएगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा इडियम्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वन वर्ड, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रेहेंशन, सारे एसएससी स्टेनो के मिल जाएंगे आपको। तो मेनली यही होता है कि एसएससी स्टेनो में पूछे गए जितने नाउन के क्वेश्चन है वो दे दिए गए यहाँ पर, ये देखिए, ये सबसे अच्छा काम इन लोगों ने किया है। बुक बहुत अच्छी लगी मुझे, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर में देखिए 11 नवंबर 2022 की सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये दे दिया गया है ना, सलीम हैज टेंडेंसी टू स्विच ऑफ हिज मोबाइल When things are not favorable for him, तो इस तरह से एरर के क्वेश्चन दे दिए, यहाँ नाउन के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है। नाउन से रिलेटेड एरर इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स पूरे दे दिए गए इसमें, एरर हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, जिसमें नाउन के क्वेश्चन है वो एक साथ दे दिया इन्होंने, है ना। और ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, पूरा 2020 का 2019 में नाउन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दे दिए गए, 2020 में, 2017 में, 2020 में, है ना, 2010 में, सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, और उसके बाइलिंगुअल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। अगर हम बात करें इसके प्रैक्टिस सेट की, तो इन्होंने एक प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये प्रैक्टिस सेट भी।
अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है ये, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में आपको, जैसा कि आप इंग्लिश रीजनिंग GS 100 50 50 नंबर के आते हैं, तो यहाँ आपको अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये देखिए कितने प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, है ना। और ये 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, और 1 2 3 4 5 6, और ये 2022 के पेपर, 2021 के पेपर, 2020 के पेपर, ये पूरे दिए गए हैं। ऑनलाइन के अलावा अगर आप ऑफलाइन भी सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप VISHAL और 10 ये अप्लाई करते हैं कूपन कोड, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर। आइए हम बात करते हैं, हाँ, हाउ टू इम्प्रूव मॉक्स। तो हमने बताया कि आप एक क्या बना लीजिएगा, कॉपी जरूर बना लीजिएगा, और आप पहले प्रीवियस ईयर के मॉक देने स्टार्ट कीजिए। आगे जो पॉइंट है वो है द वे टू इम्प्रूव मॉक्स, मार्क्स कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, एनालिसिस सेक्शन वाइज। अभी हमने बताया कि सेक्शन वाइज आप एनालिसिस कीजिए कि आपके एरर में कितने क्वेश्चन गलत हुए, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन गलत हुए, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन गलत हुए, या डाइस के गलत हुए, डाइस एंड क्यूब के गलत हुए, है ना। GS में आपके हिस्ट्री के गलत हुए, पॉलिटी के गलत हुए, इकोनॉमिक्स के गलत हुए, ज्योग्राफी के गलत हुए, साइंस के गलत हुए, इस तरह से। डोंट पैनिक एंड कीप पेशेंस। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके मार्क्स जो है वो रुक जाएंगे, तो आप घबराने लगते हैं, या आपके मार्क्स 2 से 3 नंबर ही बढ़ते हैं। तो मान के चलिए कि जितने भी मॉक टेस्ट देंगे, 4 नंबर से 5 नंबर ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो अगर नहीं फॉलो करते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा, या आप 120 125 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, आप एग्जाम नहीं 2 3 साल तक मॉक टेस्ट देंगे तो भी ऐसे ही मार्क्स आएंगे, जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है मॉक टेस्ट का एनालिसिस, और उसके लिए कॉपी बना लेना। अगर हम इंग्लिश GS रीजनिंग की कॉपी बना सकते हैं, तो एक मॉक टेस्ट एनालिसिस की कॉपी क्यों नहीं बना सकते हैं, जहां से हमें मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होने हैं। मेन चीज तो यही है मेरे भाई, है ना। तो ये चीज जरूर कीजिए आप, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। मैं जिस तरह से आप लोगों के लिए लाया हूँ ये वीडियो, मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया। एक बार मैं फिर से अगर हम बताना चाहें आपको कि कैसे कैसे करना है, तो फिर देख लीजिए, आपको मॉक टेस्ट देने के लिए एक नोट्स बना लेना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना कैसे है, अगर आप पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर में आपके मार्क्स कुछ कम आएंगे। जब आपके मार्क्स 120 से 130 या 135 के बीच पहुंचने लगे, ठीक है, जब आपके मार्क्स 120 130 या 135 तक पहुंचने लगे, फिर आप 120 से 130 या 135 तक पहुंचने लगे, उसके बाद का काम है कि आप न्यू मॉक दीजिए। जब आप न्यू मॉक देंगे तो आपके मार्क्स हो सकता है कि और कम आए, लेकिन धीरे धीरे एक एनालिसिस का एक कॉपी बना लीजिए, और वो कॉपी बनाने के बाद आप एक पेज में लिखिए इंग्लिश, दूसरे पेज में लिखिए GS, और तीसरे पेज में लिखिए रीजनिंग, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखता जा रहा हूँ, इसलिए मैंने पेन भी परचेज कर लिया है, पेन टैब भी खरीद लिया है, कि आप लोगों को दिखा सकूँ मैं, ठीक है, पूरी चीजें लिख के बता सकूँ मैं। कॉपी बनानी है आपको इंग्लिश रीजनिंग। अब यहाँ पे लिखिए, पहले आप पूरा लिख डालिए सिलेबस, एरर, इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ऐसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, पूरा लिख डालिए, ठीक है। पूरा नहीं लिख डालना है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसके सामने उस चैप्टर का नाम लिख लीजिए। अब उसके कम से कम उस हफ्ते, एक हफ्ते तक, 1 वीक आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। एक हफ्ते बाद, यानी कि एक हफ्ते में आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन ये काम भी करते रहिए और प्लस मॉक टेस्ट भी देते रहिए। आप 3 से 4 या 5 मॉक टेस्ट देने के बाद आप ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपके मार्क्स 2 से 4 नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरनाइट आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा जो भी कह रहा है वो गलत है ना। इंप्रूवमेंट अगर होगा तो आराम से होगा इंप्रूवमेंट, छो एकदम, ये नहीं होगा कि बस तुरंत आ गए, हमने बता दिया, आपने हमारी वीडियो देख ली और हमारा आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हमारी वीडियो देख करके आप सिर्फ एक तरीका पहचान सकते हैं, आप तरीका सीख सकते हैं। इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप खुद उस पर काम करेंगे। मैं बार बार बताता हूँ, ये मत सोचिए कि आज हमने विशाल सर की वीडियो देख ली और आज के बाद हमारे मार्क्स बढ़ने लगेंगे, बस एकदम जोश से ऊपर उठ गए, और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर धीरे धीरे जोश ठंडा होता चला गया, कॉपी 1 2 दिन बनाए, 1 2 दिन बनाने के बाद बंद कर दिए एनालिसिस करना, और सोच रहे हैं किसी तरह से हो जाएगा। 2 महीने बाकी हैं, 2 महीने ये सब कर लीजिए,
और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये जान लीजिए अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। आप, मैंने बताया है कि 3 से 5 मार्क्स अगर रोज बढ़ रहे हैं आपके, 120 मार्क्स आ रहे हैं, 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो भी आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। अगर 5 मार्क्स भी बढ़ गए आपके, ठीक है, और अगर 5 मार्क्स एक मॉक टेस्ट देने से बढ़ गए, तो आप 50 मॉक टेस्ट देंगे, मुश्किल से 30 से 40 नंबर, 30 नंबर से 40 नंबर तो इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एवरेज 35 नंबर तो इससे इम्प्रूवमेंट हो ही सकता है, लेकिन इतना करेंगे तभी इम्प्रूवमेंट होगा। ये काम कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर नजर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक काम कर दीजिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना आता है तो लाइक कर दीजिएगा भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और नहीं अच्छी लगी हो तो अनलाइक भी कर दीजिएगा, आपके सामने तो फ्री तरीका है ना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में बताया है आपको, इंग्लिश का कैसे करना है, रीजनिंग का कैसे करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है आपको। प्रीवियस ईयर मॉक कब देने हैं, और प्रीवियस ईयर अगर आप मॉक टेस्ट दे चुके हैं तो आपको नए वाले मॉक टेस्ट कब देने हैं, कितने मार्क्स आ जाएं कि आप नए मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, ठीक है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं, यानी कि लगभग जितना आपके अंदर डाउट था वो सारे डाउट्स मैं एक एक वीडियो बना करके, नहीं एक एक वीडियो पूरी बना करके मैंने क्लियर कर दी, ठीक है, क्योंकि इतना मेरे पास समय भी नहीं रहता है कि थोड़ा सा समय का अभाव रहता है मैं पूरी वीडियो, एक एक वीडियो अलग अलग बना सकूं। मेरा मकसद यही है कि मैं एक वीडियो में ही ढेर सारी चीजें बता दूं, आप सीख लें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मैं आपकी हेल्प के लिए हूं, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आपकी हेल्प जरूर हो रही होगी, और आपकी हेल्प हो रही है ऐसा हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां लोग बताते भी हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारी इंस्टाग्राम की भी आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे 800 प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें लगभग एरर के क्वेश्चन, अभी एरर की सीरीज स्टार्ट हुई है, एरर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको साथ ही साथ क्लोज टेस्ट भी करवाया जा रहा है डेली, क्लोज टेस्ट पैसेज के बाद आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाया जाएगा, ठीक है, और पैराजम्बल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सारे क्वेश्चन लगभग करवा दिए जाएंगे। आपका समय ज्यादा ना लेते हुए मैं यही कहूंगा कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।